हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह, डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे बच्चे, आज मैं गोधूली भाग एक नौवीं कक्षा से पाठ 3 ग्राम गीत का मर्म के बारे में समझाने जा रहा हूँ, बच्चों को बताने जा रहा हूँ। आज भले ही लोग कुछ भी कह दे, हमारी भारतीय संस्कृति एक गौरवमयी संस्कृति रही है। आज भी हमारे समाज में जो भी लोकाचार, व्यवहार, अपना आचरण, हर तरह से हमारी संस्कृति कायम रही है, जो कि विदेश की लोग भी, विश्व में के लोग भी हमारे भारत में जब प्रवेश करते हैं तो यहाँ की संस्कृति से इतना प्रभावित होते हैं कि क्या कहना है। मैक्स मुलर, हमारे पाश्चात्य विद्वान भी, जब हमारे भारत में आया था आए थे सॉरी बड़े विद्वानों के लिए, बड़े पुरुषों के लिए, तो भारत से हमने क्या सीखा। इतना सुंदर यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए थे, और भले ही आज हमारा देश तार्किक और की कसौटी पर आगे भले ही बढ़ा हो, विश्व की कोना भी बढ़ा हो, लेकिन हमारी संस्कृति बड़ी गौरवमयी संस्कृति रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारे लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा जो दिया हुआ निबंध है ग्राम गीत का मर्म, तो ग्राम गीत के रहस्य के बारे में जानना कि सचमुच में आज भी जो गांव में गीत है, हमारे चैता, लोकगीत, संस्कार गीत, पर्व गीत, श्रम गीत, इतनी पुरानी प्रथाओं से हमारे होली, चैता, सावन के गीत, एक एक से सुंदर सुंदर माताओं एवं बहनों द्वारा जो दी गई गीत है, उस गीत में इतना ज्ञान है कि आज हमारे लेखक साहित्यकार बता रहे हैं कि जीवन की शुद्धता एवं भावों की सरलता का मार्मिक चित्रण जितना ग्राम गीतों में मिलता है, उतना आज के परिवर्तित कला गीतों में नहीं मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। परिवर्तित, बदलता हुआ रूप, आज लोग ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं, एक एक सी साउंड ध्वनि हमारे वायुमंडल को भी, पर्यावरण को भी प्रदूषित करने वाला, लेकिन आज से हमारे जितने भी कई साल की पुराने गीत, लोकगीत जो भी है, इतना हमारे जो संस्कार गीत, विवाह गीत, पर्व गीत, जनेऊ गीत, जितने भी हमारे संस्कार गीत रहे हैं, वैसे गीत को पाने वाले कभी भी आज के गीत नहीं है। क्लासिकल रूप से भी यदि हम चलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, जगत में चलते हैं, आज जो कि इतने फूहड़ एवं भद्दे गीत गाए जाते हैं, आज जो कि आज के कला गीतों में हम जो भी देख रहे हैं, तो हमारी पुरानी संस्कृति में पड़े हुए गीतों को कोई पाने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो यही है कि सचमुच में जीवन की शुद्धता एवं भावों की सरलता का मार्मिक चित्रण जितना ग्रामीण गीतों में मिलता है, उतना आज की परिवर्तित कला गीतों में नहीं। तो है बच्चे, आज मैं पढ़ा रहा हूं, हमारे बच्चे समझेंगे और समझने का प्रयास जरूर करेंगे कि सचमुच में ग्राम ग्राम माने गांव, गीत माने गीत का मर्म, माने ग्राम गीत के रहस्य के बारे में, ग्राम गीत के रहस्य उद्घाटन को करना यहाँ पर लेखक का मुख्य उद्देश्य है। तो हमारे लेखक सुधांशु जी बता रहे हैं कि किसी भी देश के काव्य का उद्भव साधारण वहां की दंत कथाओं या ग्राम गीतों से होता है। ग्राम गीतों से, दंत कथा, चलती हुई आ रही जो प्रथाएं हैं,
और उनके उत्तरोत्तर कलात्मक विकास में मानव जीवन के महत्व की संगति था उसकी विविधता में आलोचना रहता है। सामाजिक जीवन और काव्य दोनों को मिलाकर देखने से पता चलता है कि समाज की धारणाओं के मध्य में जीवन का प्रवाह किस दिशा में कितनी दूर तक जा सका है, परिस्थिति की परवशता के कारण जीवन किस सीमा तक पंगु बना है और कहां तक उसने परिस्थिति तथा समाज की रूढ़ियों पर विजय पाई है। हमारे बच्चे, ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारणतः अपने लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठ सका है और अपने हृदयस्थ भावनाओं को प्रकट करने में उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रबंध भी नहीं माना है। हमारे लेखक द्वारा रचित निबंध जो ग्राम गीत का मर्म है, मेरा सुधांशु जी बता रहे हैं कि आज भले ही कोई कुछ भी कह दे, उनमें सर्वत्र रूढ़िगत जीवन ही नहीं है प्रतीत, कहीं न कहीं प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य की भावना बहुत ही रमणीय बाह्य था अंतर विरोधी दिखी गई है। आज जो भी मिल रहा है, एक बार पुनः हमारे लेखक ने इस शब्द को, इस भाव को, इस सरलता को दोहराया है कि जीवन की शुद्धता एवं भावों की सरलता का मार्मिक चित्रण जितना हमारे ग्रामीण गीतों में मिलता है उतना आज की परिवर्तित कला गीतों में नहीं मिलता। जिस तरह जीवन का आरंभ शैशव है, बचपना अवस्था, उसी तरह कला गीत का, ग्राम गीत है, कला गीत का शैशव अपन जो बचपन से हम विकसित करते हैं, तो उसी तरह से हमारे ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आंसू कवित्व है। आंसू, जिस तरह से हम शॉर्ट हैंड में अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, छोटा सा शब्द में कही गई उक्ति बड़ी उसकी लंबी भावात्मक शैली होती है। तो हमारे लेखक बता रहे हैं कि जातीय कवित्व है जो कर्म या कीड़ा के ताल पर चा गया है। गीत का उपयोग जीवन मनोरंजन के विभिन्न रूप और विधियां हैं। स्त्री प्रकृति में गृहस्थ कर्म विधान का जो स्वाभाविक प्रेरणा है उसमें गीतों की रचना का अटूट संबंध है। आज से हम लोग 50 साल 100 साल पहले भी ये बात सुने हैं, जो भी माताएं बहने जब चक्की पीसती थी, कूटती थी, पीसती थी, चावल छाँटती थी, तो चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर को, श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती हैं। और उस समय का उनका अभिप्राय साधारणतः यही रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई है रहती है उसमें ध्यान हटाकर अन्यथा मनोरंजन में चित्त संलग्न किया जा सके। कोई भी व्यक्ति यदि हमारा किसान चरवाहा है तो चरवाहा भी यदि अपने भैंस पशुओं को चराता है दिन भर विषम से विषम परिस्थितियों को, गर्मी को सहते हुए, और इतना सुंदर भी गीत गा लेता है, चरवाहा भी गा लेता है, अपने शारीरिक श्रम को, थकान को दूर कर लेता है। माताएं बहनें चक्की पीसते समय, कुर्ती कुर्ती पिसौनी जिस समय करती हैं, उस समय अपने चित्त को हल्का करने के लिए एक गीत को उद्घाटित करती हैं, गाती हैं। इतना ग्राम गीत का जानदार महत्व होता है। इनके अतिरिक्त हमारे लेखक बता रहे हैं कि इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी गीत हैं जो भावों की उमंग में गाए गए हैं। जैसे जन्म है तो जन्म के समय सोहर गाया जाता है। आज भी सोहर, आज भी पहले से आती हुई ये दंत कथाओं के रूप में पहले से आज भी है कि हमारे जो माताएं बहनों के बच्चे जन्म लेते हैं तो कितना सुंदर सोहर गाया जाता है। मुंडन, सोहर, यज्ञोपवीत, विवाह, पर्व, त्योहार आदि के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उनमें उल्लास और उमंग की ही प्रधानता होती है। वे अपने आप में भरपूर गीत होते हैं।
जो हमारे माताएं बहनें, हमारा समाज जो पुरानी प्रथाओं के जो भी गीत गाते हैं, क्लासिकल गीत गाते हैं, सुंदर एवं भावात्मक शैली में गीत गाए जाते हैं। यहाँ पर लेखक ने ग्राम गीत के मर्म की रहस्य को उद्घाटन करते हुए लिखे हैं। उनके गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है और प्रेम, विवाह तथा पतोहु और सास ससुर के बर्ताव, माँ भाई बहन का स्नेह आदि बातों ही ज्यादातर गीत में गाई जाती है। हमारी माताएं बहनें भोर में भी कभी उठती हैं तो भजन भाव गाती हैं, जो ग्राम गीतों में रहस्य चोची देखने को मिलता है। कितना सुंदर भगवान का, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई जो है अपने अच्छे से अच्छे पूर्वज परिवार के संस्कारों के गीत को गाती हैं माताएं बहनें। आज जो है स्त्री प्रकृति का अनुकरण पुरुषों ने भी किया है। हमारी माताएं बहनें जो गीत गाती थी तो आज उसका अनुकरण फॉलो हमारे पुरुष वर्ग ने भी किया है। हल जोतते समय, नाव खेते समय, पाल की डोली जो ढोते समय, जो कहार है तो क्या कहता है, अपने कामों में समय गाए जाने वाले गीत को पुरुषों ने भी बनाया है और उसे गाया है। जल्दी जल्दी चलू रे कहरा, सूरज डूबी रे नदिया। कितना माताएं बहने और लोकगीत में हमें भी ये देखते हैं एक एक से सुंदर। हमारे विवाह जब होता है, आपन खोरिया बहार हो आवत ताले दुल्हा दामाद, कितनी माताएं बहने सालनी से गाती हैं अपने गीत को लेकर के। रात भर जो भी गीत में मंडप आच्छादन में गीत गाए जाते हैं तो बड़े सुंदर से सुंदर गीत गाए जाते हैं। तो हमारे बच्चे, चलिए हल जोतते हुए किसान पगड़ी बांध कर गाता है बहुत सुंदर कि हमरो बल यदि तोरो बलमुआ बा कप्तान सुन सजनी, तो हमरो बलमुआ बा किसान। बहुत तार्किक एक एक से सुंदर चीज देखने को मिलते हैं। इतना सुंदर, कभी भी हमारा किसान जेठ हो या पूस हो, हमारे कृषकों को आराम नहीं है, फिर भी किसान जो है अपने विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए इतना सुंदर हल जोतता है और गीत गाता है। हलवाहा से लेकर के जो भी है हमारे डोली पालकी को ढोते हुए कहार है वो भी गाता है। तो आइए हमारे बच्चे, बहुत कुछ है लेकिन हमारे बच्चे पढ़ने पर विशेष ध्यान दें और मेरे बातों को जरूर ध्यान देना। सब मिलकर के ग्राम गीत का प्रकृत स्त्री में रहा, मान स्त्रियों की प्रधानता आज भी ग्राम गीतों में रही है। माताएं बहने जो सोहर है, संस्कार है, विवाह गीत है, यज्ञ गीत है, पवित्र गीत है, पर्व गीत है, जत्सार गीत है, ऋतु गीत है, गाथा गीत है। अभी हमारे हाल में हमारी अभी होली बीती है, हमारे बच्चे बच्चियां एक एक से सुंदर हमारे रंग अबीर लाल गुलाब के साथ भले होली मनाए होली, लेकिन अब क्या है, अब ग्राम गीत में जो भी पुराण आज की परिवर्तित कला गीतों में जो भी गीतें देखने को मिलती हैं भले ही, लेकिन पुराने गीत में होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, कितना सुंदर गीत हमारे है। शिव जी जमुनवा में ठाढ़ गौरा संग लिए, बड़ी बड़ी सुंदर गीत देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए, ठीक है, आज भी पुरुष का आक्रमण उन पर नहीं किया जा सका है। भले ही पुरुष वर्ग अपने हमारे यहाँ मातृ प्रधान नहीं है, हमारे देश में लोग क्या किए हैं, पितृ प्रधान मान दिए, तो ये तो अब उधर हम नहीं जाते हैं बच्चे। भले ही कुछ समाज में लोग कहें लेकिन माताएं बहने का दर्ज भी कम पुरुषों से नहीं रहा है। सब भले ही पुरुष ने अनुकरण किया उसके गीतों को, लेकिन प्रधानता हमारे माताओं एवं बहनों के गीतों को ही मानी जा सकती है, जिसे स्त्रैण गीत कहा जाता है। स्त्रियों ने जहाँ कोमल भाव की अभिव्यक्ति की, वहां पुरुषों ने अपने अवश्य ही संस्कार बस प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध घोषणा की। स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है, जहां भी हमारी माताएं बहने कोमलता के साथ, शालीनता के साथ, लेकिन पुरुष वर्ग हमेशा ही उस हावी रहा है, उस माताओं बहनों पर रहा है, वही हाल गीतों में भी है। चलिए
इस प्रकार मनुष्य दो सनातन प्रवृत्तियों में प्रेम और युद्ध का वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है। ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। कभी कभी हमारे बच्चों को परीक्षा में आता है, मेरे प्यारे बच्चों कभी मत भूलना, कह रहा है यहाँ पर हमारे लेखक, बता रहे हैं कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है, हृदय से उद्गार सामवेद की जननी माना गया है। ये संगीत जो उद्गार होती है, हमारे संस्कृत में भी लोग श्लोक पढ़ते हैं, साहित्य संगीत विहीन। चले उधर हम नहीं जाते, फिर भी हमारे बच्चों को समझने की जरूरत है। उनकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर भले ही हुई, किंतु मानव जातीयता में उसकी सारी वैयक्तिक विशेष अंतर्निहित हो गई है। उनकी अपूर्णता इसी बात में है कि व्यक्ति के साथ लेकर उसको प्रधान न रख लक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मार्गता के साथ अग्रसर हुए हैं। कला गीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश होता है। छोटे छोटे चार चार पंक्तियों का जो मुक्तक होता है, मुक्तक के रूप में चार लाइन छह लाइन हमारे बच्चे जो है तो बता रहे हैं यहाँ पर लेखक कि कला गीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। इनके इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्राम गीतों पर ही आकर ठहरना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं है कि ग्राम गीतों से ही काल्पनिक तथा वैचित्रपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। आज भले ही लोग कहें यदि ग्राम गीत नहीं होता तो आज समाज में कोई भी हमें विकास देखने को नहीं मिलता। आज भले ही लोग गीत गा रहे हैं एक एक सी, और पहले वाले गीत से और आज के गीत से तो हमारे बच्चे कोई तुलना ही नहीं है। हमारा समाज साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो भले ही कुछ कह दे लेकिन पुरानी गीत को पाने वाला नहीं है आज का गीत। चलिए यही ग्राम गीत के सभ्य जीवन का अनुक्रम में कला गीत के रूप में विकसित हो गया है, जिसका संस्कार अब वर्तमान है। ग्राम गीत भी प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्गीत किया गया है, किंतु इन भावनाओं ने समिष्ट का इतना प्रभावित कर दिया कि उनकी शारीरिक व्यक्तता वैयक्तिकता सत्ता समिष्ट में ही तिरोहित हुई, तिरोहित माने मिल जाना। जैसे ग्राम गीत में हम देखते हैं बच्चे की यदि विदाई हो रही है, हमारे माताएं बहनें जब निकलती हैं बच्ची की विदाई तो उस समय विदाई भी गाते। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी सुंदर सुंदर गीत आए हैं, भोजपुरी में भी आए हैं, डोलिया उठा की कांधी चल ली कहां रवा बेटी परदेश भरी पड़ती सिंदूर। हमारे रफी जी भी ने गाए हैं बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बहुत से गीत हैं लेकिन पुराने गीत को माने, चलिए विदाई गीत कहा गया है। तो हाँ, जब ये गीत गाते गाते तो ये लोक गीत आता है। कभी कभी लोक गीत किसे कहते हैं, तो लोगों द्वारा गाए गए गीत को हम लोकगीत कहते हैं। लेकिन हाँ, विवाह संस्कार या पर्व के समय जो भी गीत गाए जाते हैं ये लोकगीत की पांच भेद होते हैं। तो चलिए सब मिला जुला करके ग्राम गीत को कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय लगा, पर उसमें सबसे मुख्य बात यही रही कि कला गीत अपनी रूढ़ियों बन करके चला। कला गीत के क्षेत्र में जितनी व्यापकता और विस्तृत हुआ और उसके अनुसार यदि उसमें कुछ हद तक शास्त्रीय रूढ़िता नहीं रही तो उसके समृप्त को निर्वाह भी संभव नहीं होता। ग्राम गीत की रचना में जिस प्रकृति और संलग्न का विधान था, कला गीत में उसकी अपेक्षा करना समुचित न माना गया। अत्यधिक उसे संस्कृत और परिशुद्ध करने के होने के बाद कला गीत अपने मूल ग्राम गीत के संस्कार से कुछ भी बातों में मुक्ति न पा सका और उसमें उस समय तक संभव भी नहीं, जब तक मानव प्रकृति को ही विषय मानकर काव्य रचनाएं की जाती रहेंगी। ग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में एक बात उल्लेखनीय रही है कि ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति चित्रण थी, आज भी ग्राम गीत में जो भी रची गई गीतें हैं वे माताएं बहनें द्वारा ही गाई, स्त्रैण का मतलब वही है, माताओं बहनों द्वारा गाई गई गीत वह कला गीत में आकर के पौरुषपूर्ण हो गए।
बताइए कला गीत में अब उसको पुरुष ने गाया। चलिए स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकता है वह ग्राम गीत और कला गीत में कभी नहीं। ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो आसन्नता निकटता जो थी वह कला गीत में बहुत पुरुष के उपकर्म के रूप में परिवर्तित होने लगी। ग्राम गीत में सानिध्य में लोग मिल करके गाते थे। चलिए अब उसका रूप आ गया परिवर्तित कला। परिवर्तित कला का मतलब क्या? आज डीजे आ गया, एक एक से फिल्म इंडस्ट्री वाले गाने आ गए, लेकिन जो गीत हमारे ग्राम गीतों में बार बार यहाँ पर हमारे लेखक साफ बता रहा है कि जीवन की शुद्धता एवं भावों की सरलता का मार्मिक चित्रण जितने हमारे ग्रामीण गीतों में मिलता है उतने आज के परिवर्तित कला गीतों में नहीं मिलता मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर कुछ नमूना को लेकर के हमारे लेखक साहित्यकार ने बताए हैं कि राजा रानी राजकुमार या राजकुमारी या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की जो प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है जिसका संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था। उसका प्रधान कारण यह था कि वो ऐसी विशिष्ट व्यक्तियों के लिए साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। उनमें धीरोधता दक्षता तेजस्वीता रूढ़वंशता वाग्मिकता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। उस गीत में बहुत ही मार्मिक रहस्य होता था। मानव होते हुए भी उनकी महत्ता विशिष्टता प्रतिष्ठा आदि प्रभाव उत्पादक संस्कार जनता के चित्त पर पड़ता था। चित्त पर माने हृदय पर जो गीत गाए जाते थे उससे मानव का जो प्रेरणा मिलती थी गीत पर चित्त पर प्रभाव पड़ता था। ऐसा चरित्र को लेकर काव्य रचना करने में रसोत्कर्ष का काम बहुत कुछ समाजी धारणा के बल पर होता था, किंतु साधारण जीवन के चित्रण में कवि का प्रतिभा का बहुत सा अंश है अपने चरित्र की नायक विशिष्टता प्राप्त करने की चेष्टा में खर्च हो जाता। अब ग्राम गीत की अब यह प्रवृत्ति काव्य गीत में भी चलने लगी है। चलिए कभी कभी मेरे बच्चे बच्चियां देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ट्रेन में हम जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, प्लेटफार्म पर टहल रहे हैं, तो एक भिखारी एक दुखी या भिक्षुक जो है आ रहा है या भिखारी गाड़ी ट्रेन में, तो क्या है इतनी सुंदर सुंदर गीत गाती है कि आदमी की चित को हर लेती है। हमारे बच्चों ने भी भोजपुरी में भी देखो कहे के त सब केहू आपन आपन कहावे वाला की बा सुखवा त सब केहू बांटे दुखवा बटावे वाला की बा। बहुत से है हमारे रफी जी भी गाए हैं फूल दो माली में कर दे मदद गरीब की सुखी रहे संसार बच्चों की किरकारी सी बूंद सारी घर बार भूखी गरीब की यही दुआ है औलाद वाली। उसी तरह से यहाँ पर कि एक दुखी भिखारी भी हृदय की उच्चतम में रानी को मात कर सकती है अपने गीत के माध्यम से। इसकी कल्पना उस समय हमें नहीं थी। उच्च वर्ग के लोगों के प्रति समाज में विशिष्टता की धारणा ज्यों का त्यों कम होने लगी त्यों त्यों निम्न वर्ग के प्रति हमारे हृदय में आदर का भाव जमने लगा और इस प्रकार के काव्य में ऐसे पात्रों का सामान्य स्थान प्राप्त होने लगा। हृदय की उच्चता में विशालता किसी में चाहे वह राजा हो और चाहे भिखारी हो गीत तो सबके लिए बराबरी। अभी हमारा छठ जो है बिहार का प्रमुख पर्व है। हमारे देखते हैं बाजार उजार में माताएं बहनें जो है सूप लेकर के गाती हैं कुछ माँ छठी माँ के नाम पर भीख मांगती काचहिं बासकी बहंगी या बहंगी रचकत जाए बहुत सुंदर सुंदर गाती है। चलिए तो विशालता किसी भी चाहे राजा हो या भिखारी उसका वर्णन का कवि का कर्म है। ग्राम गीत में दशरथ राम कौशल्या सीता लक्ष्मण कृष्ण यशोदा के नाम बहुत आए हैं और उन्हें जन समाज के संबंध बीच संबंध का प्रतिनिधित्व भी कराया गया है। ससुर चलिए ससुर के लिए भी हम लोग संस्कार विवाह संस्कार में देखते हैं जिस समय भैंसुर भसुर होता है हाँ अपने भाई की बहू जो होती है सिंदूरदान जो सिंह मंडक
की जो होता है उस समय माथा ढक की जिस समय गीत गाया जाता है बहुत से। तो ससुर के लिए भी दशरथ, पति के लिए राम कृष्ण, सास के लिए कौशल्या जसोदा, देवर के लिए लक्ष्मण का चित्र। कहीं कहीं गीतों में हमारे बच्चे सुने होंगे, भैया हमारे राम जैसन भौजी हमारे सीता, इनकी भजन जैसी राम आयण गीता, बहुत से आते हैं। हमने बहुत उदाहरण दिया है हमारे बच्चे, लेकिन ठीक है भावात्मक शैली में है ना कि गी गी गाकर नहीं। और हिंदी साहित्य में पहली प्राथमिकता होती है भावात्मक शैली होती है। गाना तो एक संगीत सिर्फ मनोरंजन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए एक दरिद्र गृहिणी भी जिसके घर में भोजन के लिए थोड़ा सा अन्न है तो सोने के सूप में फटकर ही उसे साफ करती है। गीत का मूल्य कितना है गीत में कि ये गरीब भिक्षुणी जो है वह मालूम पड़ता है कि सोने के सूप में भी हमारी दरिद्रता के बीच में संपन्नशीलता का रूप हमारे भाव दीप्त करने के लिए उपस्थित किया गया है। ऐसा वर्णन कला गीत में चाहे विशेष महत्व प्रदान क्यों न करें लेकिन ग्राम गीत में वे मेरुदंड समझे जाते हैं। मेरुदंड जैसे रीढ़ की हड्डी पर पूरा शरीर टिका हुआ है तो ये समझ लेना है कि गांव का गीत जो ग्राम गीत का चित्रण है वह मेरुदंड के समान है। बहुत सुंदर हमारे लेखक सुधांशु जी द्वारा रचित निबंध। बच्चे आप अभी भी राजा रानी राक्षस भूत जानवर आदि की कहानियां सुनने को ज्यादा उत्कंठित होते हैं अपने दादी माँ नानी माँ से। बच्चे जैसे हम रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, बुद्ध देखते हैं, बुद्ध का जहां भी चित्र हम देखते हैं, यदि हम फॉर एग्जाम्पल तो यदि अंगुली बाल नहीं रहता रहेगा तो बुद्ध जी का भी मान सम्मान नहीं रहेगा। चलिए यदि राम है तो रावण, कृष्ण है तो कर्ण, एक के एक बिना अधूरा है। तो ऐसे ऐसे हमारे कहानी बच्चे सुनना जास्ती प्रभावित करते हैं। नानी की कहानी ऐसी हुई हुआ करती है और नानी से बजस्ते छोटे छोटे बच्चे कहानियां बहुत सुनना पसंद करते हैं। नानी अपने बच्चों नाती पोती को कहानियां सुनाती है, एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी। हम लोग याद है छोटे छोटे थे तो हमारी माताएं बहने हमारे लोग के बाबा दादा कहते थे हाँ कहानियों में कब लोग गए दादी माँ ए दादी माँ कहानी सुनाओ तो दादी माँ क्या करती थी कहती थी हाँ चलिए नींद जब लगने लगती थी उस समय कहती थी चल एगो रहा कहू एगो रहा मत कहू तो कहू होगी मत के बचल तो मत कहू ऐसे ऐसे। तब उस समय हम लोग तो दादी माँ कहती थी कि हुंकार जरूर हरिएगा बच्चों को उत्सुकता जगाने के लिए उस समय दादी माँ और नानी ऐसी ऐसी कहानियां कहती थी। तो नानी की कहानियां भी ऐसी ही होती है मेरे प्यारे बच्चों। आइए साधारणतः प्रत्यक्ष जीवन में जो घटनाएं हो रहती है उसके अतिरिक्त जीवन का दूत तथा प्रत्यक्ष है उसके संबंध में जानने की लालसा सा उत्कंठा अधिक बनी होती है। बच्चों की भांति उन मनुष्यों को भी जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ कर रहता वैसी कहानियां ज्यादातर रुचि कर मालूम होती है। ग्राम गीतों की रचना में ऐसी प्रवृत्ति प्राय सर्वत्र पाई जाती है। मानव जीवन की पारस्परिक संबंध सूत्र कुछ ऐसा विचित्र है कि जिस बात को हम एक काल और एक देश में बुरा समझते हैं उसी बात को दूसरे काल और दूसरे देश में अच्छा मान लेते हैं। जैसे वैचित्रवाद को हमने अबुद्धिवाद कहकर तिरस्कृत किया है कुछ यहाँ पर हमारे साहित्यकार मनोवैज्ञानिकता की दृष्टि पर हमारे बता रहे हैं। वही पश्चिमी काव्य जगत में रोमांस के नाम पर फल फूल कर अपने सौरभ से पूर्व को भी आकर्षित। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने जो शिक्षा में हेर फेर हमारे अगली कक्षा में अगली पाठ हमारे बच्चे 12वीं कक्षा गोधूली भाग एक में पढ़ेंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर ने साफ लिखा है कि आज विदेशी बच्चे क्यों डेवलप करते हैं और हमारे बच्चे संकीर्ता में क्यों रह जाते हैं तो इसका कारण भी। अब क्या कारण है तो हमारे बच्चे निबंध के माध्यम से जरूर समय निकालकर मैं बच्चों को बताऊंगा। प्रेम दशा जितनी व्यापकता विधायनी होती है जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की समरूपता देखी जाती है और वह क्रोध शोक उत्साह विस्मय जुगुप्सा आदि में नहीं।
विराकुल पुरुष पक्षी पशु लता द्रुम सबसे अपनी वियुक्त प्रिया का पता पूछ सकता है, किंतु क्रूध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता। यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य जानते हैं वैसा और कोई। चलिए दुष्यंत एवं शकुंतला की कहानी हम लोगों ने पढ़ा। राम भी जंगल में भटक रहे हैं तो एक जंगल से वृक्ष से पशु से पक्षी से अपनी विरहणी, हमारे कालिदास जी ने जो मेघदूत के माध्यम से बहुत बहुत से हमारे रचनाकारों साहित्यकारों ने विद्वानों ने लिखा है। मनोविज्ञान का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट की गई है और कर लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि व्यापनी भावना से जीवन और जगत की वस्तु अलग नहीं हो सकती। जीवन का यह उत्कर्ष था विकास प्रेम दशा के अतिरिक्त है। वृक्ष लता पशु पक्षी जीवन के अनादि सहचर है, साथ चलने वाले, कभी प्रकृति से हम बिछोड़ नहीं कर सकते हैं। प्रकृति के साथ लगाव तो लगाना जरूरी ही है। प्रकृति की ओर, हमारे किसी विद्वान ने लिखा है, प्रकृति की ओर लौटो, तो प्रकृति को हम नहीं छोड़ सकते। प्रकृति का यह साहचर्य सभ्य जीवन बहुत दूर अब हट गया, लोग प्रकृति के सानिध्य में नहीं जा रहे हैं। आना पड़ेगा, अंत में जरूर प्रकृति के सानिध्य में आना होगा। भले ही हमारे लोग देख रहे हैं कि आज भी शहरीकरण में गमले के पौधे और पिंजरे के पक्षियों के साथ शायद नहीं छूट सकेगा। आज भी हम गांव में तो अपना जमीन में लगा लेते हैं, लेकिन शहर में उसी को क्या कर दिया गया है, गमले में उगाया गया है। माने प्रकृति को छोड़ना कोई नहीं चाहता। एक एक से सुंदर आकर्षक फूल पत्ती बागवान हर चीज, अपने सुख दुख को भाव को उन पर आरोपित कर हम उन्हें स्पंदित करते रहते हैं। काव्य में भी जीवन को ऐसी व्यापकता के अभाव में मानो हम विवल से बने रह जाते हैं। प्राण भक्षक को भी रक्षक समझने की शक्ति प्रेम में है। प्रेम के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते हैं। चलिए, गीत में ऐसी भावुकता है, ऐसी सरलता है। ग्राम गीतों में ऐसा वर्णन बहुत है जहां नायिका अपने प्रेमी की खोज में बाघ भालू सांप आदि से उसका पता पूछती चलती है। आदि कवि वाल्मीकि ने विरह विवल राम के मुख से सीता की खोज के लिए न जाने कितने पशु पक्षी लता ध्रुव आदि से पता पूछवाया। अभी मैं बच्चों को बताया। और इसके अतिरिक्त सीता के अनुसार तथा उसके पास राम का बड़ा संदेश पहुंचाने के लिए जो हनुमान को दूत बनाकर तैयार किया गया, वह काव्य में इस परिपाटी का मार्गदर्शक ही हो गया। चलिए, एक एक से हमारे बच्चे एवं बच्चियां पढ़े होंगे इतना सुंदर सुंदर कवि विरह वेदना में। तो चलिए, इसके उपरांत मेघदूत पवनदूत हंसदूत भ्रमरदूत आदि ना, चलिए हमारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में भी देखते होंगे सलमान खान की मैंने प्यार किया, उसमें कबूतर जा बहुत से आए हैं। कालिदास के मेघदूत, हमारे अति सुधो स्नेह को मारक है, हमारे घनानंद भी बड़े ही रीति मुक्त कवि बड़े सुंदर अपने सुजान के प्रति लिखे हैं प्रेम मार्ग। चलिए, तो बहुत से कितने दूत प्रेम संभार के लिए याद हमके हैं। अब वैज्ञानिक युग में वो क्या हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, यही यंत्र आदि दूत के रूप में हो गए, जो संदेश वाहक हो गए। प्रकृति से आदमी दूर जा हटा है, अब क्या करें, वैज्ञानिक युग। चलिए भाई, विज्ञान के चमत्कार के युग में, चलिए फिर भी यंत्र दूत बने ही पोस्टमैन को भी यह मर्यादा मिलनी चाहिए। कोई कुछ भी कर दे, पोस्टमैन डाकिया पुरानी प्रथाओं से चला आ रहा है ये दूत के रूप में। भले ही कोई का कला गीतों में पशु पक्षी लता द्रुम आदि से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे प्राय मौन रहे हैं। विरही यक्ष का मेघदूत भी मौन ही रहा है, किंतु ग्राम गीतों का दूत कभी मौन नहीं रहा है। यहाँ पर बहुत सुंदर, ग्राम गीत का दूत कभी मौन नहीं रहेगा, हर जगह अपनी प्रस्फुटित होकर के अपने हृदय को उद्गार करेगा। तो चलिए हमारे बच्चे, हमारे ग्राम गीत की मर्म लक्ष्मीनारायण सुधांशु द्वारा मैं बच्चों को संदेश दिया
ठीक है। यदि हमारे बच्चों को ये वीडियो कैसी लगी, जरूर लगी होगी, तो शेयर करिएगा, अपना हमारे बच्चे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।